सुबह उठते ही काऊ के पास गया। रात यहाँ पानी की बकेट रख कर गया था, कोई उसको भी चुरा कर ले गया। फिर मार्केट से जाकर नई बकेट और कुछ बैंडेज लेकर आया, फिर इसको पानी पिलाया। ये बहुत प्यासी थी, क्या ये दुनिया है, बकेट ही चुरा कर ले गए, हद हो गई। फिर हमने इसको खाना लाकर खिलाया, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाकर इसको अच्छे से बैंडेज करवाई। फिर मैंने इसकी चोट लगने की शिकायत गवर्नमेंट नंबर्स पर कर दी। फिर मैं घर आ गया। फिर कुछ गाँव से ही बच्चे प्लूटिंग और उसकी सेना से मिलने आए। फिर जब हम हेलीकॉप्टर का पार्सल लेने गए तो देखा रास्ते में पानी की पाइपलाइन डलेगी तो सारे रास्तों में गड्ढा कर दिया है, तो प्लूटिंगों ने इनके गड्ढे करने वाली मशीन पर जाकर सुसु कर दी। तो फिर मेरे पास बार बार कभी किसी ऑफिसर के कभी किसी ऑफिसर के फोन आने लगे। फिर मैं काऊ के पास गया। फिर यहाँ हमें इस खेत के मालिक मिल गए। तो जब मैंने इनको अच्छे से समझाया तो ये गलती मानने लगे, बोलने लगे कि ये गलती से ट्रैक्टर से गिर गई थी, हमने इसको ऐसे खींचा नहीं। तो फिर ये काऊ के लिए खाना भी लेकर आए। तो फिर गवर्नमेंट एनिमल्स वेलफेयर वाले इस काऊ को अपने साथ ले गए। तो मैंने इनसे बोला कि आप इसको मेरे घर भिजवा दो। ये बोलने लगे कि नहीं, ये गौशाला जाएगी।